मुझे जितनी खुशी हो रही है वो अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। उर्दू बोलने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले, पढ़ने वाले लोगों के दरमियान होना, मौजूद होना, इस खूबसूरत शाम को एंजॉय करना मेरे लिए बहुत ही खुशी का बायस है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इट्स हार्ड टू डिस्क्राइब टू सी कि ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे शुरू हो रही है। वैसे तो पेशे के लिहाज से मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं उसको अपना साइड बिजनेस मानती हूँ क्योंकि मैं उर्दू की शायरा हूँ। अब फैज़ की शायरी के बाद मैं अपनी शायरी सुनाऊंगी तो बड़ा मुश्किल काम है आप लोगों से उसकी दाद लेना, लेकिन मैं कुछ थोड़े से शेर आपको सुनाती हूँ। मैं ज़्यादा नज़में लिखती हूँ, यहाँ के मकामी बहुत सारे मुशायरों में मैंने पढ़ा है, बल्कि आज शमीला मुझे याद करा रही थी कि जावेद अख्तर के साथ भी मैंने पढ़ा है उनके, यू नो, एज वन ऑफ द को पोइट्स, गेस्ट पोइट्स एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मुशायरा यहाँ होता है हर साल। लेकिन मुझे छोटी गैदरिंग्स में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है उसमें आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं ऑडियंस के साथ। सो मैं सुन रही थी जो, यू नो, फैज़ के मुख्तलिफ मज़ामीन पे लोगों ने उनका कलाम सुनाया, तो एक मेरी नज़म है जो मैंने लिखी थी जिसमें थोड़ा सा ये भी जिक्र होता है कि, यू नो, उर्दू पढ़ने वाले, उसको चाहने वाले, दिल से चाहने वालों की कमी होती जा रही है। हालांकि आज शाम को तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे वो अपने सामने रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कुछ भूल गया तो, क्योंकि मेरे घर में दो अदद छोटे, मेरे छोटी गजलें भी मौजूद हैं, मेरे बच्चे, तो उनकी वजह से थोड़ी सी याददाश्त है ना वो कम हो गई है। सो इसकी मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बताती हूँ इस नज़म का। इसका उनवान है वो पाकिस्तान जो मेरा था। कुछ लोग ऐसे मौजूद होंगे यहाँ पे जो ये सुन चुके हैं, लेकिन ये मेरी बहुत पसंदीदा नज़म है और मुझे लगता है आप आज की जो ये ऑडियंस है वो बहुत इसको इंजॉय करेगी। सो मैं यहाँ पे लाहौर में ज़्यादातर मेरा बचपन गुजरा, और जब मैं यहाँ मूव हुई US में 2003 में, तो शुरू शुरू में जब मैं पाकिस्तान वापस जाती थी अम्मी अब्बू के घर, तो मुझे लगता था मैं घर जा रही हूँ, परदेश छोड़ के घर जा रही हूँ। और फिर 2-3 साल बाद मैं प्लेन में बैठी हुई थी और वापस आ रही थी US फ्रॉम पाकिस्तान, तो मुझे ऐसे लगा कि अब मैं घर जा रही हूँ और जो मेरा देश है वो परदेश हो गया। तो मैंने उस एहसास को इसमें बयान करने की कोशिश की है। सो पेश करती हूँ। तेरे जिक्र पे धड़कन तेज हुई, रूह जज्बे से लबरेज हुई, ए पाक चमन, ए अर्ज़े वतन, तू मेरे लिए परदेस हुई। जिक्र है ये कई बरसों का, जब हम भी तेरे बासी थे, इन्हीं टूटी फूटी सड़कों पर जब सीना तान के चलते थे, जब आईफोन का नाम ना था और इंटरनेट भी आम ना था, जब पीटीवी का चर्चा था और ड्रोन का इल्जाम ना था। ये मेरा सबसे पसंदीदा इसका शेर है, मुलाहिज़ा करें। जब खुशियां सस्ती मिलती थी और ख्वाब महंगे होते थे, जब खुशियां सस्ती मिलती थी और ख्वाब महंगे होते थे, जब शाइस्ता थी कौम मेरी, यूं अमन व अमां गुमनाम ना था। जब उर्दू पढ़ने वालों के सीनों में जोश और जज्बा था, जब स्कूल के नन्हे बच्चों को धमाकों का इल्हाम न था, जब सादा दिल थे हम तुम भी और खुशनुमा थी चारों सू, जब सादा दिल थे हम तुम भी और खुशनुमा थी चारों सू, वो पाकिस्तान है याद मुझे, वो पाकिस्तान जो मेरा था। शुक्रिया।